कैंसर सर्वाइवर की डायरी, डायरी ऑफ ए कैंसर सर्वाइवर, कुलभूषण दीप, पार्ट टू। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद मी गौरव सिन्हा। चैप्टर 26। तीसरी कीमो शुरू हो चुकी है। सुबह की चाय पी चुका तो डॉक्टर्स का राउंड शुरू हो गया। कोई प्रॉब्लम? एक जूनियर डॉक्टर ने पूछा। सर, मुंह बहुत सूखा रहने लगा है और खाने में दिक्कत भी हो रही है। पानी की बोतल अपने पास रखिए, थोड़ी थोड़ी देर में एक घूंट भरकर कुछ देर मुंह में रखिए और आराम से पी लीजिए। डॉक्टर शिखा को दिखा कर जाना आप। क्या दिखाना है? डॉक्टर शिखा भी आ चुकी हैं। उन्होंने फ़ोन की टॉर्च से मुंह देखा और बोला, आप साई स्कैन 200 वाली शुरू कर दीजिए और मसाले वाला खाना नहीं खाना है। ये फ्लोराइड पेस्ट करनी है और म्यूकोबेंस माउथ वॉश। ये सब तो आपके पास शॉप पर होंगे ही। कीमो चल रही है, विचार दौड़ रहे हैं, ड्रिप चालू है। अब तो मुझे भी याद हो गया है कि कितनी देर बाद कौन सा ड्रिप लगना है, कितनी देर तक चलेगा। फार्मासिस्ट तो हूँ ही, 35 साल ब्लड डोनेशन में भी बिताए। 2000 में श्रीमती जी के कैंसर के कारण बहुत सारे ऑन्कोलॉजिस्ट भी संपर्क में आए। कैंसर रोगियों के प्रति मन में एक विशेष जगह बनी। उन्हीं के लिए एक अलग से डोनर्स का ग्रुप बनाया। कई मरीजों को प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती तो एक प्लेटलेट सपोर्ट ग्रुप भी बनाया। 1998 में मैंने जब पहली बार प्लेटलेट फेरेसिस में प्लेटलेट दिए तो मुझे समझ में आया कि इसमें 2 घंटे लगते हैं। इसके लिए डोनर को डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। असल में इस प्रोसेस में हमारी बाजू से खून निकलकर एक सेपरेटर में जाता है, उसमें से प्लेटलेट्स निकलते हैं और बाकी खून वापस शरीर में आ जाता है। इस एक राउंड में 20 से 30 मिनट लगते हैं और ऐसे 6 या 7 राउंड होते हैं, तो बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। मामा जी चाय। अचानक से विवेक ने मेरे हाथ में चाय का कप थमा दिया तो मैं वर्तमान में लौट आया। मेरी निगाह ड्रिप पर गई तो आखिरी बॉटल है, बस 10 मिनट बचे हैं। कीमो के बाद रेडिएशन हो गया तो सामने राकेश मिल गया। क्या हुआ, तुमने ड्यूटी चेंज कर ली क्या? नहीं, मैं आपकी वेट कर रहा था। क्या हुआ, सब ठीक ना? हाँ अंकल जी, वह आप क्या इंजेक्शन ग्राफिल रखते हो? नहीं, रखते नहीं, पर मंगवा सकता हूँ। 3 इंजेक्शन चाहिए, कल शाम तक हो जाएंगे क्या? हाँ हाँ, मैं अभी फ़ोन कर देता हूँ, थोड़ी देर में हो जाएगा। सुबह रेडिएशन के लिए आऊँगा तो लेकर आऊँगा। मैंने फ़ोन किया एक सप्लायर को और 4 इंजेक्शन भेजने को कहा और मनु को भी फ़ोन कर दिया कि रात में आते हुए लेकर आए। कितने का है अंकल जी? 400 का आया है, तुम 400 के हिसाब से ही दे देना। अरे यहाँ तो 800 का लगाते हैं। थैंक यू बहुत बहुत। इसके बाद भी उसने मन में बहुत कुछ बोला होगा जो मैंने अनुभव किया। आप अगर मन की भाषा समझते हैं तो बहुत काम आती है। इस समय राकेश का धन्यवाद और उसके अनकहे शब्द मल्टीविटामिन की क्षमता वाली गोली का काम कर गए। चैप्टर 27। मेरे व्यवहार में एक बदलाव आ रहा है। कहीं न कहीं से अपने लिए उत्साह ढूंढ लाने वाला मैं मुझे हारता नजर आ रहा हूँ। हर वक्त मुझ में एक बेचैनी रहने लगी है। इतना तो दर्द ने मुझे कभी भी नहीं सताया जो अब सता रहा है। मन का हौसला डगमगा रहा है। शरीर कमज़ोर तो हो ही गया है, दर्द से परेशान हो गया है। खाना सामने होता है, खाया नहीं जाता। किसी को अपनी बात भी समझा नहीं पाता। किसी को तो तब समझाओ ना जब मुझे ही समझ में आ रही हो। मेरे सारे नुस्खे फेल हो रहे हैं। मेरा जो मुझ पर नियंत्रण रहा मुझसे छूट रहा है। इसी तनाव में एक दिन श्वेता का फ़ोन आया कि वह मुझसे मिलने आना चाहती है, तो मैंने कहा ठीक है आओ, तो 2-3 दिन के लिए आना, वरना मत आना। समझ रहा हूँ गलत बोल दिया है मैंने, मगर इस समय तो मुझे अपना ये व्यवहार भी सही जान पड़ रहा है। खुद पर एक दिन इतना गुस्सा हुआ कि 2 चांटे जड़ दिए, वो भी इतनी जोर से कि उंगलियों की छाप साफ दिखाई दी। क्या हुआ इससे? कुछ भी तो नहीं, मेरी बेचैनी तो कम होने की जगह और बढ़ गई। सच में बहुत बेबस हो गया हूँ, इतना बेबस कि रोना भी भूल गया हूँ। इंसान ऐसी बेबसी में या तो जी भर कर रोता है या फिर भगवान के सामने समर्पण कर देता है। मैं ना तो रो पाया ना ही भगवान के सामने समर्पण कर पाया। इससे मेरी हिम्मत टूट गई। रात में नींद की गोली खाकर सोया तो भी सुबह 3 बजे नींद खुल गई।
अंधेरे में ही चाय बनाई और अपने बिस्तर पर बैठ गया। अचानक आंखें बर्फ पड़ी, जी भर कर रो लिया तो अपने दोस्त केके के सामने समर्पण कर दिया। चैप्टर 28। मन कुछ शांत हो गया है। चौथी कीमो से पहले मुझे भी 3 ग्राफिल के इंजेक्शन लगवाने हैं। आज चौथी कीमो का दिन है, 2 दिन बाद दिवाली का पर्व है। इस साल दिवाली अक्टूबर में ही आ गई है। गुड मॉर्निंग अंकल जी, सिस्टर नैन्सी ने कैनूला लगा दिया मगर वह रुकी रही। क्या हुआ सिस्टर, आप कुछ कहना चाहती हैं? बाद में बताती हूँ, इतना कहकर सिस्टर चली गई। विवेक कैंटीन गया है ब्रेकफास्ट करने। अंकल, आज आपकी फेवरेट दाल और करेले की सब्जी मिलेगी लंच में, अचानक डाइटिशियन ने आकर चौंका दिया। आज तो मंगलवार है, आप तो कढ़ी चावल खिलाते हो हमेशा। अरे अंकल जी, आपके लिए मेन्यू चेंज किया है, मैं आपके लिए घर से बना कर लाई हूँ। कीमो शाम तक चलती रही। शाम को मुझे मिलने गौरव आया। गौरव हमेशा 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट करता है, मेरे खास दोस्तों में से एक। तभी सिस्टर नैन्सी आई और उसने पूछा कि क्या हमारी ब्लड डोनर्स एसोसिएशन काम कर रही है। मैंने नहीं कहा तो वह मायूस हो गई। क्या हुआ, आप क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, मेरे एक निकट संबंधी हैं, उन्हें प्लाज्मा चाहिए था। कोई नहीं, मैं देखती हूँ। गौरव ने बीच में टोक दिया, कब चाहिए? कल, सिस्टर ने बोला। अभी दे दूं क्या, गौरव ने पूछा। सच में, सिस्टर नैन्सी हैरान हो गई। गौरव प्लाज्मा डोनेट करने गया तो कीमो भी खत्म हो गई, और हम रेडिएशन कराने गए तो मालूम पड़ा मशीन रिपेयर हो रही है। 10 बजे रात के आसपास हम अस्पताल के बाहर निकले तो कोई साधन नहीं मिला। घर लौटने का विराट को फोन किया तो उसने बताया कि उसे तो ऑफिस में ही लेट हो जाएगा। विवेक को कोई टैक्सी दिखाई दी तो उसने रोक कर पूछा शालीमार बाग जाने के लिए। ड्राइवर शायद नशे में था, हंसते हुए बोला 2,000 रुपये और चला गया। अचानक मुझे लगा कि मुझे चक्कर आ रहा है तो मैंने विवेक का हाथ पकड़ लिया और विवेक ने मुझे फुटपाथ पर बिठा दिया। तभी एक ऑटो रुका, सरदार जी बाहर आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा, सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, असल में हमें घर जाने को कोई ऑटो नहीं मिल रहा, बड़ी देर से तो मामा जी को चक्कर आ गया। कहाँ जाना है आपको? शालीमार बाग। कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं छोड़ देता हूँ आपको। मुझे लगा ये तो साक्षात भगवान ने भेजा है। रास्ते भर सरदार जी बोलते रहे, उन्हें ये भी पक्का मालूम होगा कि मेन रोड पर बहुत ट्रैफिक जाम है तो वह करोल बाग की गलियों से निकालकर 40 मिनट में शालीमार बाग ले आए। उनकी बातों से ये पता चल गया कि वह घर लौट रहे थे मगर हमें छोड़ने के लिए उन्होंने ये उल्टा रास्ता भी लिया। 99 रुपये का बिल आया मीटर से तो उनको 200 रुपये देने चाहे मगर उन्होंने 100 ही लिए। मेरे बहुत कहने पर भी वह नहीं माने कि तभी उन्हें एक सवारी मिल गई जिसे उनके घर की तरफ ही जाना था। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा और घर पहुंचते ही मैं चेंज किए बिना ही सो गया। थकान के कारण नींद आने में देर नहीं लगी। चैप्टर 29। बहुत गहरी नींद आई। बहुत दिनों के बाद सुबह 4 बजे खुल गई। थोड़ी सी घबराहट महसूस हुई, उल्टी आने का मन हुआ मगर आई नहीं। ऑनडेम की गोली है उल्टी रोकने वाली, चूस ली। मुंह धोया, ब्रश किया, चाय बनाई। चाय का घूंट भरते ही ख्याल आया ट्रीटमेंट का आधे से ज्यादा सफर तय हो चुका है। 3 कीमो और है, आखिरी तो आखिरी ही है, बस 2 बची अब तो। अभी तक बहुत हिम्मत से काम लिया है तुमने, आगे भी अच्छे से निभाना, बस कुछ दिनों की बात है। मुंह का स्वाद बहुत खराब हो चुका है, हर समय सूखता है मुंह। दिन में तो पानी पीकर काम चला लेता हूँ मगर रात में तो बहुत मुश्किल होती है। इसके लिए एक स्प्रे है तो सही मगर रात में कई बार उठना पड़ता है। ये रात भी कैसी होती है, नींद आ जाए तो आनंद वरना ऐसी की तैसी कर देती है। एक एक पल काटना मुश्किल लगता है। अचानक से मन गुनगुनाने लगा, पूछो ना कैसे मैंने रात बिताई, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मुहि नींद ना आई। सुबह सुबह ही यूट्यूब पर ये गाना सुनने लगा, गीत का एक एक शब्द जीता जागता दिखाई दिया। पूछो ना कैसे मैंने रात बिताई, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मुहि नींद ना आई। 7 बजे रेडिएशन के लिए पहुंच गया। इन दिनों दिन ऐसे ही बीतता है, सुबह सुबह रेडिएशन कराओ, आजकल किसी से कोई बात नहीं करता, दिन भर अपने कमरे में कैद रहो, अनाप शनाप सोचना, बेकार में खींचना, किसी को ढंग से तो क्या जवाब ही नहीं देना, क्या था क्या हो गया हूं मैं।
ये ट्रीटमेंट के मेंटल साइड इफेक्ट हैं, तो उसकी कोई दवाई भी नहीं है, केवल और केवल खुद को संभाल कर रखना है। पॉजिटिव बने रहना ही उसकी दवाई और इलाज है। धैर्य की वास्तविक परीक्षा हो रही है। धैर्य की वास्तविक परीक्षा होती भी तभी है जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो जिससे आपके जीवन की दिशा और दशा बदल गई हो। इस समय में आप अपने आप को कैसे संभालते हो, यही तो धैर्य की वास्तविक परीक्षा है। मैं ऐसी ही परिस्थिति में हूँ और यही परीक्षा दे रहा हूँ। किस वक्त कब क्या हो जाएगा, मेरे शरीर और मन के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, मगर जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे इस इम्तिहान में पास होना ही है। चैप्टर 30। आज 5वीं कीमो है। राउंड पर डॉक्टर चोपड़ा ने बताया कि इसके बाद बस एक ही कीमो और होगी। ये सुनकर भी मन में कोई उत्साह नहीं जगा। असल में पिछले 3 दिन बहुत दर्द तकलीफ में बीते हैं, जिससे मेरा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया है। किसी को भी सीधा जवाब नहीं देता, उल्टा बोल देता हूँ और फिर पछताता रहता हूँ कि ऐसा क्यों किया मैंने। श्वेता का तो फोन उठाना ही छोड़ दिया है। घर में भांजी की शादी की तैयारियों की हलचल है। सोचा इसी में खपा लूं खुद को, मगर नहीं कर सका। आज कीमो के लिए विराट आया है मेरे साथ। विवेक को कुछ ही दिनों में एमफिल के लिए हैदराबाद जाना है। ये सब क्या हो रहा है, सच में मेरी समझ से बाहर है। इतनी लंबी लड़ाई लड़ ली, अंतिम दौर में मेरी हिम्मत क्यों जवाब दे रही है। मन करता है सब छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाऊं। मैं इतना कमजोर क्यों पड़ रहा हूं, मेरा व्यवहार बदल चुका है। मेरे इस बदले हुए व्यवहार से मैं खुद भी परेशान हूं, और भी सबको परेशान कर रहा हूं। कोई मुझे टोकता क्यों नहीं, डांटता क्यों नहीं, कोई कुछ समझाता क्यों नहीं। 2 दिन पहले की रात, जब भयानक दर्द ने मुझे दीवार के कोने में 2 घंटे खड़ा रखा था, अचानक से सामने जिंदा होकर आ गई। शरीर, मन, सांसें, सबकी बोलती बंद होने को थी। भयानक दर्द को कोई दवा राहत न दे सकी। जैसे तैसे रात बिताई वो। अंकल जी, आप बहुत अपसेट हो आज। सिस्टर नैन्सी ने मेरे भावों को जरूर पढ़ लिया होगा। आप तो बहुत ब्रेव पेशेंट हो, मैंने आपके जैसा कोई पेशेंट नहीं देखा। कितने साल हो गए मुझे ये सब देखते हुए। ये साधारण सी बातचीत थी, उस समय संजीवनी का काम कर गई। ऐसा लगा जैसे किसी मुरझाते हुए पौधे को पानी और धूप से सींचा जाए तो वह ऊर्जा से भर जाता है। मैंने मन ही मन केके को याद किया और सच में मुझे लगा भगवान ने सिस्टर नैन्सी को ये उत्साह भरे शब्द देकर भेजा मेरे पास, मुझे जगाने के लिए। कैसा होता है ना, किसी बहाने से कोई बात आपको सुनाई देती है और हम सचेत हो जाते हैं। चैप्टर 31। आखिर वह दिन आ ही गया जब अंतिम कीमो होनी है। सच में मन में बहुत खुशी का माहौल है। रेडिएशन के भी 4 दिन ही बचे हैं। अच्छे से निकाल ले जा आज का दिन, शाम को तुम्हें रसगुल्ले खिलाऊंगा। भाड़ में गया इनका प्रोटोकॉल, आज कुछ नहीं मानने वाला मैं। मुझे आज सेलिब्रेट करना है। शाम को कीमो के बाद विवेक मुझे ऑटो में बिठाकर खुद मेट्रो से चला गया। 2 दिन बाद उसे हैदराबाद जाना है। रास्ते में रुककर मैंने 2 रसगुल्ले लिए और आकर अलमारी में छिपा कर रख दिए। कीमो वाले दिन शाम को आकर जरूर नहाता हूँ। नहा लेने के बाद लगता है जैसे बहुत सारी अस्पताल की वाइब्स धुल गई हों। एक अजीब सा सुकून मिलता है। नहाता मैं गर्म पानी से ही हूँ, गर्मी हो कि सर्दी। घर पर कोई नहीं है, मम्मी पापा जी सोनीपत गए हैं। आया, नहा धोकर रसगुल्ले खाए, खुद को शाबाशी दी और बस आराम करने को लेट गया। बस और 4 दिन का सफर बाकी है, ये तो आसानी से बीत जाएगा। जो होना है वह हो चुका है। अपने को बहलाने के लिए आस्था से मिलने चला गया। कुछ दिनों में उसकी शादी हो जाएगी और वह न्यूजीलैंड चली जाएगी। आज रेडिएशन पूरी हो गई है और मैं डॉक्टर शिखा का इंतजार कर रहा हूँ। 11 बजे मुझे डिस्चार्ज समरी दे दी गई और बहुत सारे निर्देश भी कि मुझे कैसे अपना ख्याल रखना है। 3 महीने के बाद एक बार पेट स्कैन करवाएंगे, अगर बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो दिखा लेना। वैसे 2 सप्ताह बाद आना है फॉलोअप के लिए। सब समझकर सबको धन्यवाद किया। राकेश मुझे बाहर ऑटो तक छोड़ने आया।
मैंने उसे एक बड़ी सी चॉकलेट दी जो मैं उसके लिए ही लेकर आया था। चैप्टर 32। 12 नवंबर को ट्रीटमेंट पूरा हो गया। 29 को मेरा बर्थडे है। सच में पहली बार लगा कि ये सच में बर्थडे होगा। 29 को ही आस्था की शादी का पहला फंक्शन है। मन से तो तैयार हूँ मगर शरीर इतना कमज़ोर पड़ चुका है कि न तो शोर बर्दाश्त होता है न भीड़, और ना खड़े रह पाना, बस लेटे रहने को ही मन करता है। वैसे भी भीड़ से बच कर रहना है मगर इन दिनों तो घर में लोग ही लोग हैं, मिलने भी सभी आते हैं। कितनी कोशिश करता हूँ कि अपनी कमज़ोरी से किसी को निराश न करूँ मगर हो नहीं पाता। ठीक वही हुआ, जन्मदिन के दिन केक काटा मगर वहाँ रुक नहीं सका तो मनु घर छोड़ गया मुझे। ऐसे ही शादी के दिन भी हुआ, वहाँ से भी जल्दी ही लौट आया मैं। इस समय मेरी अपनी हेल्थ ही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, मुझे अपना पूरा ख्याल रखना है। सब नॉर्मल होने लगा है, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में थोड़ी देर दुकान जाना शुरू किया है। 2015 की जनवरी में काफ़ी अच्छा सा लगने लगा है, खाने पीने में सुधार हो गया, थोड़ा वजन भी बढ़ गया है, मानसिक रूप से भी अच्छा फील हो रहा है। लगने लगा है कि जीवन अब पटरी पर लौट रही है मगर जो हम सोचते हैं वैसा होता तो नहीं है। समय अपने अनुसार चलता है न कि हमारे। मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं कि ज़िंदगी मुझे अभी और किसी इम्तिहान में बिठाने वाली है। फरवरी में मुझे पेट स्कैन करवाना है और जनवरी बीत चुकी है। इस बार तो पेट स्कैन के पैसे भी खुद से ही खर्च करने होंगे क्योंकि इसका मेडिक्लेम नहीं मिलता। मेडिक्लेम के लिए 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी होता है और मैंने सोचा कि छोड़ना खुद ही करवा लूँगा, क्यों ना पेट स्कैन बाहर कहीं से करवा लूँ। अस्पताल और बाहर के सेंटर में लगभग 4,000 रुपये का फ़र्क है तो क्यों ना पैसे बचाए जाएं। चैप्टर 33। आज सुबह पेट स्कैन करवा कर आया, रिपोर्ट शाम को मिलेगी। शाम को रिपोर्ट लेने मनु गया, आते आते उसे 8 बज गए मगर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखी तो मैं भी घबरा गया। रिपोर्ट मनु ने पढ़ी होगी ज़रूर, इतना तो वह भी समझता है। लेफ्ट साइड की रिब में कोई स्पॉट सा है और लिखा है सजेस्टिव ऑफ मेटास्टेसिस। घबराहट में रिपोर्ट लेकर डॉक्टर नारंग के पास चला गया तो उन्होंने कहा शायद और कीमो लगेगी। निराश सा होकर लौट आया। मनु भी उदास है, हमारी कोई बात ही नहीं हुई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बात करें। चलो घर चलते हैं अब, रात में तो कुछ नहीं हो सकता, कल सुबह भी होगा जो भी होगा। मैंने ही खामोशी तोड़ी, संजय को भी बता दिया कि अभी किसी से कुछ नहीं बताना। घर जाकर अनमने ढंग से कुछ खाकर नींद की 2 गोली खाकर सो गया मैं। इस समय मुझे ना जागना है ना कुछ सोचना है। सुबह नींद ही 8 बजे खुली। उठते ही पहला ख्याल जो मन में आया कि कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जिससे सिर्फ ओपिनियन लेना हो, डॉक्टर शिखा के पास भी बाद में जाऊंगा। अगले ही पल मुझे डॉक्टर सिंघल का ख्याल आया, वह एम्स में रिटायर्ड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑनलाइन नंबर ढूंढा, फ़ोन पर बात की तो उन्होंने 10 बजे एक नर्सिंग होम में मिलने को बोला। संयोग से ये नर्सिंग होम दुकान के पास ही है। मैं सोच रहा था कि लगता है रात भर मेरे अंतर्मन में ये सब चलता रहा होगा, तभी उठते ही पहला ख्याल यही आया और वह भी एक जवाब के साथ। ठीक 10 बजे मैं नर्सिंग होम पहुंचा और डॉक्टर सिंघल ने रिपोर्ट देखी। कुछ सोचकर बोले कि ये 50-50 वाला मामला है। क्या मतलब, मैं आपकी बात नहीं समझा। मेरे कहने का मतलब है कि ये मेटास्टेसिस हो भी सकता है और नहीं भी। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, 3 महीने के बाद एक स्कैन करके रिव्यू करना चाहिए। वैसे डॉक्टर शिखा आपको सही से गाइड करेंगी। ठीक है सर, मैं इसे यही मानकर चलता हूँ कि 50% ये मेटास्टेसिस नहीं है। जाने क्यों एक गहरी सांस ली मन ने और लगा कि दिन की शुरुआत अच्छी हुई है, आगे भी अच्छा ही होने वाला है। चैप्टर 34। दोपहर में डॉक्टर शिखा को रिपोर्ट दिखाई तो वह कुछ आश्वस्ति बोली कि सजेस्टिव ऑफ मेटास्टेसिस तो है मगर SUV 3.0 है, बहुत कम चांस है कि मैलिग्नेंट हो, 2 महीने बाद एक स्कैन और करवा लेंगे। राहत भरी सांस ली।
अब डॉक्टर चोपड़ा को भी दिखाना है क्या? मैंने उठते हुए पूछा। हाँ एक बार दिखा लो। अब डॉक्टर चोपड़ा ने रिपोर्ट देखी तो बोले कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसकी जांच करवा लेनी चाहिए, ये रिस्क भी हो सकता है। ठीक है सर, करवाता हूँ, कहकर मैं फिर से दुविधा में फंस गया। दो डॉक्टर कह रहे हैं स्कैन के लिए इंतज़ार करने को और एक कह रहे हैं कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं कैंटीन चला गया, कॉफ़ी का एक कप लिया और कोने में जाकर बैठ गया कि कुछ सोचता हूँ। डॉक्टर वैद्य को फ़ोन करूँ क्या? अरे सारा ट्रीटमेंट यहाँ करवा लिया, अब उनसे किस मुंह से पूछोगे? मैं अभी कुछ और सोचता कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा चंडीगढ़ से डॉक्टर NM गुप्ता का फ़ोन। इन्होंने ही श्रीमती जी की सर्जरी की थी, उनको कोई काम था तो मैंने पहले उनकी बात सुनी और बाद में अपनी बताई, तो उन्होंने भी यही कहा कि SUV तो ज़्यादा नहीं है, 2 महीने बाद पेट स्कैन कराकर देख लेना ही बेहतर होगा। एक और डॉक्टर का रेफरेंस दिया, कर्नल डॉक्टर राव हैं, एक बार उनको भी दिखा लो। अरे डॉक्टर राव तो ये घर के पास ही मैक्स अस्पताल में हैं। रात में मनु ने भी बताया कि कोई डॉक्टर फ्रेंड है, उसने रिपोर्ट भेजी थी उसे, उसने अपने ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में दिखाया है और यही बोला है कि 2 महीने बाद वेट करके एक स्कैन से रिव्यू करना चाहिए। अब मन शांत हुआ है, दिन भर की भाग दौड़ से थकान ने चूर चूर कर दिया है और मुझे अब सोना है सुबह उठने के लिए। मुझे डॉक्टर राव से मिलना है कल और एक फाइनल निर्णय लेना है कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। चैप्टर 35। सुबह 10 बजे पहुंचना है मैक्स अस्पताल और मैं घर से 9 बजे ही निकल लिया। सोचा पैदल ही चला जाऊंगा, 3 किलोमीटर ही तो है। 9:30 पहुंच गया तो सोचा अब क्या करूं, चलो कैंटीन में चल के कुछ चाय पीते हैं। ये चाय से मेरा एक अलग ही रिश्ता है, अक्सर मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड बोलता हूँ। चाय का घूंट भरते ही मेरे सोचने का रास्ता खुल जाता है, नज़रिया साफ हो जाता है। ज़िंदगी में मैंने जितने भी बड़े बड़े निर्णय लिए हैं सबको लेते वक्त चाय मेरे साथ रही है। अपनी दुकान में बैठकर चाय पीते हुए लगता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है, वो भी क्यों ना, ज़िंदगी के 45 साल, दिन के 12 घंटे जब मैंने यहाँ बिताए हैं। शुरू शुरू में रेडियो होता था जो सुबह 9 से रात 9:30 बजे तक बजता, रफ़ी साहब के गाने, चाय और दुकान और काम, इसी चार दीवारी में दुनिया खूबसूरत थी। डॉक्टर राव की कोऑर्डिनेटर ने मुझे उनके पास जाने को बोला तो मैं फाइल लेकर उनके कमरे में गया। डॉक्टर राव ने रिपोर्ट्स देखी और गर्दन को इधर उधर दबाकर देखा और बहुत नम्र आवाज़ में बोले, सर ये जो रीसेंट फाइंडिंग है रिब में, ये थोड़ा सस्पेंस वाला है। क्या मतलब? ये मेटास्टेसिस भी हो सकता है और नहीं भी। नहीं इसलिए कि इसका SUV बहुत कम है, कई बार पेट स्कैन में कोई इन्फ्लेमेशन भी हाईलाइट हो जाती है। तब क्या करना चाहिए, मैंने पूछा। डॉक्टर शिखा ने तो बोला कि 2 महीने बाद पेट स्कैन करवा कर रिव्यू कर लेंगे। हाँ ये एक अच्छा ऑप्शन है। सर मान लिया कि 2 महीने बाद के स्कैन में भी ये मेटास्टेसिस है तो मेरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कितना बदलाव आएगा अगर आज ही इसे मेटास्टेसिस मानकर ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो? कुछ नहीं, वैसा ही रहेगा। तो सर मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ कि 2 महीने बाद पेट स्कैन करवा कर रिव्यू करवा लूँगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, लेकिन नेक्स्ट मंथ आप ये सब टेस्ट करा कर फॉलोअप के लिए आना है। मैंने फाइल उठाई और चल दिया घर की तरफ, फिर से पैदल ही। इस पैदल चलने में मैं खुद को व्यवस्थित कर लूँगा कि फिलहाल 2 महीने मुझे कुछ नहीं सोचना है, यही सोचना है कि ये मेटास्टेसिस नहीं है। चैप्टर 36। ये SUV क्या होती है? अब तक मैं जान चुका हूँ। असल में ये एक वैल्यू है। SUV मान को ट्रेजर के उत्तक एकाग्रता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे PET स्कैनर द्वारा मापा जाता है, जिसे आमतौर पर शरीर के वजन से विभाजित इंजेक्शन वाली गतिविधि से विभाजित किया जाता है। अपटेक मान को छवि के ROI में पिक्सल या वॉक्सल तीव्रता मान द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे बाद में गतिविधि एकाग्रता में परिवर्तित किया जाता है। देखते देखते 2 महीने बीत गए। मई के पहले ही दिन पेट स्कैन करवा लिया। शाम को रिपोर्ट आई, रिब का वह मेटास्टेसिस लगने वाला स्पॉट गायब हो चुका है। विराट मेरे साथ है। रिपोर्ट पढ़ते ही दिल खुश हो गया, चलो आज तो पार्टी करेंगे।
मन ही मन सोचा। ताया जी, आज तो पार्टी बनती है, विराट ने कहा। घर पर रात हम सब ने मिलकर इस रिपोर्ट का जश्न मनाया और इन पलों का भरपूर आनंद लिया। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद किया कि वह जो अंतर्मन के माध्यम से संदेश भेजते रहे उन्हें मैं समझ पाया। सबके जाने के बाद मेरे मन में प्रश्नों का ढेर लगा है, इन सबके उत्तर ढूंढने हैं मुझे। ऐसा क्यों कहा जाता है कि ट्रीटमेंट के बाद 5 साल इम्पॉर्टेंट हैं? क्या ये लौट कर आता ही है? इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है? पॉजिटिव कैसे रहना है? अपने शरीर और मन की देखभाल कैसे करनी है? मेरा फ्यूचर प्लान क्या होने वाला है? बहुत कुछ सोचना है, करना है मुझे। एक कैंसर सर्वाइवर को कितनी स्ट्रेस का सामना करना होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। पेशेंट रहते हुए कितना स्ट्रेस रहा वह तो मैं समझ चुका हूँ। स्ट्रेस, चिंता, तनाव सब जिंदगी को और मुश्किल बनाते हैं, हम सब जानते हैं, मगर फिर भी इनसे बच नहीं पाते। मगर मुझे अब इनसे बच कर रहना है। चलो आज तो इन सब के बारे में कुछ नहीं सोचना। आज का दिन बहुत बड़ी खुशी लेकर आया है, इस खुशी को जीना है मुझे। आज के दिन का इंतज़ार बहुत लंबा रहा मेरा। जो फरवरी में दिन आना था वह मई में आया। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इस खुशी को आज के दिन ही आना होगा, तो आज ही आई है। मैंने खुद से वादा किया कि अब मुझे चिंता, तनाव और बेकार ख्यालों से बचकर रहना है। हम सब जानते हैं टेंशन हमारा क्या हाल करती है। टेंशन से कुछ हल भी नहीं होता, फिर भी टेंशन से हम बच नहीं पाते। मगर मुझे अब बच कर रहना है। चैप्टर 37। 2015 का साल मई के बाद खुशियों की और सौगात लेकर आया। मनु ने अगस्त में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया, जिसका नाम है इशु। सितंबर में इनकी सगाई हो गई और साथ ही शादी की तारीख भी पक्की हो गई, 5 मार्च 2016। एक बार कोई तारीख फिक्स हो जाए तो समय बीतने का पता ही नहीं चलता। अब मैं पूरी तरह से तैयार होकर अपनी दुकान, अपनी कर्मस्थली वापस आ गया हूँ। शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई। मेरे जिम्मे तो बस दुकान पर बैठने का ही काम है। भाग दौड़ मैं कर नहीं सकता, शॉपिंग मैंने कभी की ही नहीं। सच बोलूं तो मैंने कभी अपने जूते भी खुद नहीं खरीदे। मेरी जरूरतें ही मेरी चाहते हैं, जो मिल गया वही पसंदीदा हो जाता है। इस सब उत्साह के दिनों ने मुझे भुला ही दिया कि मुझे कैंसर हुआ था। शादी के जो भी काम हैं वह सब मनु को खुद ही करने हैं। उसको सपोर्ट करने के लिए संजय, विराट और इशु उसके साथ ही हैं। मुझे 3 महीने बाद फॉलोअप को जाना होता है, 6 महीने बाद MRI करवानी है। मुझे लगता है ये सब भगवान जैसे अभूतपूर्व मैनेजर ही सब प्लान बनाते हैं। कब क्या होना है, कब किसको किसके जीवन में आना है या जाना है, इन सब का निर्धारण वह ही करते हैं। मई में मैं पूरी तरह से ठीक होता हूँ। अगस्त में मनु का इशू से मिलवाना, सगाई हो जाना, विवाह की तारीख पक्का हो जाना, इस क्रम में जो संदेश स्पष्ट दिखाई देता है वह यही है कि भगवान जी की प्लानिंग के आगे हमारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। मेरा तो अब पक्का विश्वास हो गया है इस बात पर। इस क्रम ने मुझे इलाज के बाद के तनाव से अच्छे से उबार दिया है। चैप्टर 38। साल 2016 की शुरुआत से ही अचानक व्यस्तता बढ़ गई है। मनु की शादी में कुल 2 महीने बचे हैं और काम हैं ढेर सारे जो उसे ही करने हैं। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ दुकान पर बैठने का है। इस सब भागदौड़ के माहौल में उत्साह भी है, उत्तेजना भी है। शादी से घर का माहौल बदल रहा है, शादी के बाद और भी बदल जाएगा, जो कि स्वाभाविक ही है। और देखते देखते मार्च भी आ गया, शादी भी हो गई। घर परिवार में पहली बहू का आना हुआ तो सब उत्सुक भी हैं, उत्साहित भी। इशु शादी से पहले भी स्कूल में पढ़ाती रही है और थोड़े समय के बाद उसे यहाँ भी घर के पास एक स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई, तो घर के टाइम टेबल में और भी बदलाव आ गए। मेरा फॉलोअप अब 6 महीने बाद होने लगा है और लगभग हर बार मुझे MRI तो करानी ही होती है। MRI करवाना भी कोई आसान काम नहीं है। बहुत तेज़ आवाज़ों का शोर बर्दाश्त करना पड़ता है, मगर जो ज़रूरी है वह तो कराना ही है। पेट स्कैन, MRI सब कराते हुए मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और मैं अब इन सबसे अच्छी तरह वाकिफ भी हो गया हूँ। साल अच्छे से बीत रहा था कि नवंबर की 8 तारीख को अचानक से रात में नोटबंदी का ऐलान हो गया।
सब लोग विश्वास ही नहीं कर पाए कि आखिर ये क्या हुआ। सरकार के इस फैसले से भारी हड़कंप मच गया। लोग बस जैसे तैसे अपने 500 और 1,000 के नोट खर्च करने में लगे हैं। कोई कैसे बदलवा रहा, कोई जमा करवा रहा है। लोग 10 रुपए की दवाई लेने आते हैं तो 500 का नोट पकड़ा देते हैं। कोई तो कहता है जमा कर लो, धीरे धीरे एडजस्ट होते रहेंगे। जाने कैसे कैसे करके हर कोई अपने नोट बदलवा लेना चाहता है। 2016 तो बीता ही बीता, आधा साल 2017 का भी इसी सब में बीत गया। घर, दुकान, फॉलो अप, बस इसी सब में सिमट कर रह गया हूँ मैं। मन में एक अजीब सी घुटन रहने लगी है। मैं कहूँ भी तो किससे कहूँ, मुझे यही समझ नहीं आता। कभी कभी तो ये ही समझ नहीं आता कि मुझे कहना क्या है। सोचता हूँ कुछ दिन के लिए इन सबसे दूर कहीं कुछ दिनों के लिए चला जाऊं तो शायद कुछ बदलाव आए। चैप्टर 39। अक्टूबर का महीना है, मौसम में हल्का सा बदलाव है। सुबह और शाम के समय मौसम हल्का सा ठंडा हो जाता है। मैं आया हूँ कसौली, छोटा सा हिल स्टेशन है। छुट्टियां बिताने के 4 दिन हैं मेरे पास। इन 4 दिनों में प्रकृति के साथ रहकर अपने भीतर ढेर सारा उत्साह भर लेना चाहता हूँ। शाम के समय जिस जगह मैं पहुंचा हूँ उसे सनसेट पॉइंट कहते हैं। बैठने के लिए सीढ़ियाँ हैं। सूरज शाम को अभी थोड़ी देर में डूब जाएगा। अचानक से बादल आसपास तैरते दिखाई दिए। नीचे देखा तो गहरी खाई है जहाँ पेड़ ही पेड़ हैं। आसमान सिंदूरी रंग से रंगा जा चुका है। सूर्य धीरे धीरे डूबता दिख रहा है। जैसे ही पूरा डूबा, अंधेरे की चादर फैल गई और मैं अपने मन में इस खूबसूरत नज़ारे की फिल्म बना चुका हूँ। कसौली में मेरे 4 दिन की शामें सनसेट पॉइंट पर ही बीती। 2-2.5 घंटे मैं यहीं बैठा रहता। इन 4 दिनों में मैं सब कुछ भूल कर बस इसी माहौल को भरपूर जीना चाहता हूँ। प्रकृति के साथ समय बिताना अपने आप में ही एक उपचार है। मुझे याद है कि जिस दिन मैं गिलबर्ट ट्रेल गया था, शायद 10 किलोमीटर चला मैं उस दिन। उत्साह और उमंग में भरा जाने कैसे चलता ही रहा। तनाव से दूर, सब झंझटों से परे, बस एक अलग ही दुनिया में जीने का अलग ही आनंद है। छुट्टियां तो छुट्टियां ही होती है। 4 दिन बाद लौटकर वापस तो दिल्ली ही जाना है। जो उत्साह, जो ताजगी इन दिनों में अपने मन और शरीर में भरी है, उसका भरपूर इस्तेमाल करना है मुझे। जीवन में कभी कभी ऐसे ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। इस बार तो बहुत बरसों के बाद ऐसा ब्रेक लिया मैंने। सोचता हर बार यही हूं कि हर साल 2 साल में एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेना चाहिए, मगर लेता हूं 8-10 साल के बाद। मुझे अकेला आना ही पसंद है, मेरे साथ आएगा भी कौन। मुझ जैसे प्राणी को झेल पाना संभव नहीं सबके लिए। मुझे लगता है अगर मैं ही अच्छे से अपने साथ निभा सकता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ करता हूँ, मेरे शौक सबसे अलग हैं, अच्छे से जानता हूँ मैं। चैप्टर 40। 2017 का अंत हुआ, सामान्य रूप से 2018 का आगमन हुआ और सामान्य सही वर्ष भी बीत गया। 2019 भी सामान्य रूप से चला जाता, मगर नवंबर में चीन में कोई कोरोना वायरस के फैलने के समाचार आए। चीन से स्पष्ट समाचार तो आते नहीं, मगर दिसंबर आते तक केसेस की संख्या बढ़ने लगी और लोगों का ये अनुमान कि ये वायरस चीन तक ही सीमित रहेगा एकदम गलत साबित हुआ। कोरोना वायरस ने कोविड-19 का नाम पाया और धीरे धीरे बहुत सारे देश में केस बढ़ने लगे। नया वायरस, कोई अधिक जानकारी नहीं कि कैसे इलाज होना है, कौन सी दवा काम में आएगी। इसी आपाधापी में 2019 ने आफत देकर 2020 को बाकी सब झेलने के लिए बुला लिया। यहाँ लोगों को लगता रहा कि शायद ये भारत तक ना पहुंचे, मगर ऐसा हुआ नहीं। जनवरी के महीने में केरल में पहला केस आया। सरकार जागी, लोग सतर्क नहीं हुए। सरकार ने नियमित रूप से कोरोना के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध रही उसे लोगों तक पहुंचाने की ठानी। न्यूज़ चैनल पूरा पूरा दिन इसी पर खबरें रिपोर्ट दिखाते रहे। फरवरी में ऋषिकेश जाने की सोची थी, मगर जिस तरह की खबरें मिली उन्हें सुनकर तो हौसला ही नहीं हुआ। अपना फॉलोअप कराया तो डॉक्टर राव ने चेतावनी दी कि मुझे हर हाल में अपने आप को सुरक्षित बनाए रखना है। मार्च आते आते केस बढ़ने लगे तो लोगों में दहशत सी फैलने लगी। 22 मार्च को सरकार ने एक दिन के जनता कर्फ्यू की रिहर्सल कराई। तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 2 दिन बाद ही पूरा लॉकडाउन लगने वाला है।
25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। लॉकडाउन में 60 वर्ष से अधिक के लोगों का घर में रहना जरूरी हो गया। मतलब अब मुझे दुकान नहीं जाना होगा। 25 मार्च से पहले वाले हफ्ते में लोगों को शायद ये अंदाजा हो ही गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। 25 मार्च रात 12 बजे से पूरा लॉकडाउन घोषित किया हुआ, लोगों की भीड़ जुट गई। ये लेना है, वह लेना है, जिसको एक की ज़रूरत है उसे पांच चाहिए, जबकि हमारी दुकान लॉकडाउन में खुली रहेगी और जिस मोहल्ले में है वहाँ सब आसानी से ले सकते हैं या हम भिजवा सकते हैं, मगर नहीं, सबको तो बस अभी चाहिए। लॉकडाउन से पहले के आखिरी दिन के आखिरी घंटे ये अंदाज़ा दे गए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। चैप्टर 41। लॉकडाउन के कारण दुकान पर जाना बंद हो चुका है। घर में भी अजीब सा माहौल है। मनु के जाने के बाद हम चार लोग हैं। घर में ईशु की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। मम्मी पापा जी टीवी देखकर समय बिताते हैं। मैं अकेला अपने कमरे में बैठा रहता हूँ। घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटा देता हूँ। मन की हालत कोई अलग ही दिशा में चल पड़ी है। दहशत के इस माहौल में क्या करना है कुछ सूझ ही तो नहीं रहा। कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। दिन भर बुरी खबरें सुनने को मिलती है। सही से इसका उपचार क्या है स्पष्ट रूप से कोई नहीं जानता। रोज नई दवा नया उपचार सुनने को मिलता है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ती रही, लोगों की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। रोजगार छूट गए लोग खाने को तरस रहे हैं। वह लोग जो दूर दूर से यहाँ काम करने आए हैं वे सब इस समय घर लौट जाना चाहते हैं, मगर कोई साधन नहीं है। बस ट्रेन सब बंद है। मनु बताता है दुकान का क्या मंजर हो गया है। कोई अंदर नहीं आ सकता, बाहर लाइन में खड़े होकर दवाई लेनी होती है। दो मरीजों के खड़े होने के बीच भी एक निश्चित दूरी बनाए रखना जरूरी है। गिनती के डॉक्टर हैं जो क्लिनिक पर आते हैं। हमारे पड़ोस वाले डॉक्टर नारंग साहब नियमित आ रहे हैं। थोड़े दिन बाद तक जिस सैनिटाइजर के बारे में अधिकतर लोग जानते भी नहीं होंगे, अब उसी के लिए मारोमार मची है। कुल मिलाकर सब इतना बदल गया है कि सोच से भी परे है। एमसीडी की गाड़ी जो घरों से कूड़ा लेने आती है उसका इंतजार और उसमें घर का कूड़ा डाल देने के बाद राहत भरी सांस लेते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा मसला हल हो गया हो। मास्क लगाए हैं सब लोग। अधिकतर डॉक्टर ऑनलाइन ही देख रहे हैं। ऑफिस का काम ऑनलाइन होने लगा है। सब लोग एक अजीब सा मानसिक तनाव झेल रहे हैं। ऐसा मंजर तो ना इमरजेंसी में दिखा ना कभी युद्ध के समय में। ये तो एक बहुत दबाव तनाव वाला माहौल है। बीमारी का प्रकोप तो है ही, उससे कहीं ज्यादा उसका डर है। डर से डरे लोग जाने कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। 3 मई से भी लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है और ये सब चलता रहा साल भर। सितंबर में काफी कुछ ढील मिल गई तो अक्टूबर में थोड़ी देर के लिए दुकान जाना शुरू किया तो लगा कि मैं भी जीवित हूं अभी। चैप्टर 42। नवंबर 2020 में आखिरकार मैंने दुकान पर जाना शुरू ही कर दिया। मानसिक तनाव कुछ कम होने लगा तो सोचा कि और क्या किया जाए जिससे तनाव और कुछ कम हो। लिखना मेरी एक मजबूरी रही है। मैं अक्सर अपने मन की बातें खुलकर कह नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बताना नहीं चाहता, सब शेयर कर सकता हूँ, मगर उसके साथ जिससे मेरे विचार मिलते हों। ऐसे मैं कोई लेखक वेखक नहीं हूँ। 4 किताबें ज़रूर लिखी हैं, मगर उसमें सब तो वही है जो मैंने जीवन में किया, जिया, देखा, समझा। वही बातें हैं जो मैं किसी से कह देना चाहता था, मगर लिखने के सिवाय कोई और रास्ता ही नहीं मिला मुझे। 1985 में मेरी पहली किताब खामोश इमारत छपी। असल में वह सब जो मैंने उसमें लिखा मेरे जीवन के कुछ वर्षों की ही कहानी है। मुख्य तो सुधा दी को लेकर। ऐसे तो सुधा दी के साथ 2 ही बरस रहा मैं, मगर उन 2 बरसों का एक एक दिन मेरे लिए जीवन का अध्याय बन गया। 1 जनवरी 1983 को जब सुधा दी ने दुनिया से विदाई ले ली, मैं भी भीतर ही भीतर टूट गया था। तब मुझे समझ ही नहीं आता कि करूं तो क्या करूं। एक रात मुझे सपने में सुधा दी दिखाई दी और बोली, अरे पगले, एक किताब लिखकर सब मन की बातें लिख दे उसमें। और सच में मैंने खामोश इमारत लिख डाली। किताब लिख देने के बाद मेरा मन हल्का हो गया। यादें तो सब आज भी हैं, मगर उनसे जुड़ी भावनाओं से जो पीड़ा होती थी वह अब नहीं होती। बस इस तरह से मैंने 3 किताबें और लिख डाली। ये लॉकडाउन के दिनों में फ़ोन पर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखना शुरू किया मैंने।
दिसंबर में मुझे एक योर कोट नाम से एक ऐप मिला जो मुझे पसंद आया। दिसंबर में मेरे भीतर फॉलोअप करवाने की इच्छा भी तेज होने लगी, मगर सबने मना किया तो रुका रहा। चैप्टर 43। दिसंबर बीत रहा है। लॉकडाउन के बाद लोग एकदम आज़ाद हो गए हैं, कोई नियमों का पालन नहीं करता, बाजार भीड़ से लद गए हैं। ऐसा लगता है कि लोग कोविड-19 के कहर को भूल गए हैं, मगर दुनिया के कई देश में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। ये वाली लहर तो पहली लहर से बहुत भयानक है। दिसंबर बीतने के साथ ही मेरे मन में कुछ अजीब सी उथल पुथल है। कुछ साफ तो समझ नहीं आ रहा, मगर कुछ है जो स्पष्ट नहीं है, या मेरी चिंता ही हो सकती है। 2020 ने विदा ले ली तो लोग 2021 का स्वागत कर रहे हैं, मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि ये साल सुख शांति वाला हो। मैंने भी ऐसी ही प्रार्थना की और योरकोट पर लिखकर डाल दी। योरकोट ऐप पर लोग अधिकतर नेगेटिव लिखते हैं। मुझे हैरानी हुई कि आखिर ऐसा क्यों है, पॉजिटिव क्यों नहीं लिखते। सोचा मैं ही कोशिश करके देखता हूँ। मैंने कुछ नेगेटिव शब्दों के जवाब में पॉजिटिव शब्दों का कोलैब किया। थोड़े दिन तक यही सिलसिला चलता रहा, मगर कुछ सफलता नहीं मिली। जानता हूँ अच्छे शब्द देर से पहचाने जाते हैं, तो कुछ अधिक निराश नहीं हुआ। जनवरी का दूसरा सप्ताह है और फॉलोअप कराने की इच्छा अब जोर पकड़ रही है, जिद की तरह। एक दिन मैक्स अस्पताल फोन करके डॉक्टर राव की कोऑर्डिनेटर से बात की तो पता चला डॉक्टर राव तो मैक्स अस्पताल छोड़कर गुड़गांव जा चुके हैं। अब क्या करूं? इस सवाल ने ही हफ्ता भर मुझे उलझाए रखा। मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल होने लगी। यह हलचल साधारण नहीं है, मगर है क्या? इस हलचल में ये नहीं समझ पाया। थोड़ा सा निराश हो गया तो योरकोट पर गया। मुझे मेरे पोस्ट पर कमेंट दिखा। किसी ने एक लाइन की भरपूर नकारात्मक पोस्ट लिखी थी, जिसके जवाब में मैंने एक लाइन की पॉजिटिव पोस्ट लिखी तो उसका कमेंट आया, इतनी पॉजिटिविटी से कैसे कोई लिख सकता है? मेरा मन थोड़ा सा उत्साहित हुआ, मगर मेरी निराशा एक पोस्ट में झलक आई जिसका कमेंट आया, आपसे ऐसी निराशा भरी पोस्ट की कतई उम्मीद नहीं थी। मेरा चौंकना स्वाभाविक था, मतलब लोग पढ़ते हैं मेरी पोस्ट को और शायद उन्हें ये अच्छी लगती है। चैप्टर 44। इन्हीं सब में जनवरी बीत गया। दुकान, घर और योरकोट। फरवरी शुरू होते ही अचानक अंतर्मन ने सुझाव दिया कि चलो वापस BLK हॉस्पिटल डॉक्टर शिखा के पास। अंतर्मन के सुझाव ने मेरी दुविधा को मिटा दिया और 6 साल बाद मैं डॉक्टर शिखा के सामने अपनी फाइल लिए बैठा हूँ। कहाँ थे आप, इतने सालों बाद आए हो? जी, मैं मैक्स अस्पताल डॉक्टर राव के पास रहा ये 6 साल। दिखने में तो सब ठीक लग रहा है, मगर एक पेट स्कैन करवा लो। अगर सब ठीक होगा तो आप डिसीज फ्री हो जाओगे। ठीक है, पेट स्कैन करवा कर आपसे मिलता हूँ। मैं दुकान पर कैब से लौटा तो कल वाला वह कमेंट कि आपसे ऐसी निराशा वाली पोस्ट की उम्मीद नहीं थी, जीवित हो गया। मन सोचने लगा कि इसका क्या हल हो सकता है। अंतर्मन ने सुझाव दिया कि अगर कभी अपनी निराशा के भाव लिखने हो तो उस पोस्ट को 2 हिस्सों में बांट लेना। पहले अपनी निराशा व्यक्त कर लेना, फिर उसका कोई हल भी ढूंढ कर लिखना। दोनों काम हो जाएंगे, तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और कोई ना कोई सुझाव भी मिल जाएगा। हाँ, यह तरीका ठीक रहेगा। इन दिनों अजीब सा माहौल है। मास्क लौट आए हैं, लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखने लगे हैं। दुनिया भर से डराने वाली खबरें आ रही हैं। ऐसा लगता है कि हमारे देश में भी कोरोना लौटने वाला है। इसी सोच ने मन को कहा कि जितनी जल्दी हो सके पेट स्कैन करवा लेता हूँ, जाने कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। कैब रुकी दुकान के सामने और मैंने पहली सीढ़ी पर ही कदम रखा था कि पीछे से आवाज़ आई, सब ठीक है बाऊजी? देखा सामने प्रेम जी खड़े हैं। हैरान रह गया मैं इस समय इनका मिलना। असल में प्रेम जी के भाई का डायग्नोस्टिक सेंटर है और प्रेम जी बहुत सारे सेंटर से जुड़े हुए हैं। ऐसा लगा भगवान जी ने समस्या ही हल कर दी मेरी। हाँ प्रेम जी, मेरा पेट स्कैन करवाना है। कब करवाना है बाऊजी? गणेश सेंटर से 10,000 में हो जाएगा, परसों करवा लूँगा। ठीक है बाऊजी, मैं कल ही आपका फिक्स कर देता हूँ। चैप्टर 45। अगले ही दिन प्रेम जी ने मुझे स्लिप दे दी और किसी को भेजा अपने सेंटर से यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट का सैंपल लेने के लिए। बताया कि शाम को रिपोर्ट मिल जाएगी जो पेट स्कैन के लिए साथ में लेकर जानी है। आसानी से सब कुछ दुकान पर बैठे बिठाए सरलता से हो गया। बहुत अच्छा लगा ये देखकर। अब सोचना है कि पेट स्कैन के लिए साथ किसे लेकर जाऊं।
इस बार तो परिस्थिति बदल चुकी है। विराट तो यूएस जा चुका है, विवेक कॉलेज में लेक्चरर हो गया, मनु जाएगा दुकान पर। अब बचा उत्कर्ष, मेरा छोटा भतीजा। उत्कर्ष को फोन पर बताया कि कल सुबह 7 बजे मेरे साथ चलना है पेट स्कैन कराने, तो उसने हामी भर दी। ये भी गनीमत है कि उत्कर्ष इन दिनों दिल्ली में है, अक्सर तो हैदराबाद अपनी बैडमिंटन एकेडमी में होता है। शायद मेरे काम आसान होने होंगे इसलिए उत्कर्ष यहाँ है। अगली सुबह हम टाइम पर गणेश सेंटर पहुंच गए तो मालूम पड़ा कि मेरा तीसरा नंबर है। 8 बजे कैनुला लगाकर दवा डाल दी गई, 9 बजे से स्कैन शुरू हुए और मेरा नंबर आते आते और स्कैन होते होते 11 बज गए। घर लौटकर नहा धोकर नाश्ता करके दुकान चला गया कि मनु शाम को रिपोर्ट ले आएगा। शाम को रिपोर्ट लेने तो मनु गया मगर उसने फोन करके कुछ नहीं बताया मुझे, शायद इशू भी उसके साथ होगी। रात में उसने रिपोर्ट मुझे दी और उसके चेहरे पर उदासी दिखी मुझे। रिपोर्ट पढ़ने के बाद तो उदासी मेरे मन में भी भर गई। कैंसर का लौट आना, ये क्या हुआ? मैं तो फॉलोअप कराने गया था और ये क्या लेकर आ गया? उत्कर्ष और संजय को भी बता दिया कि ये रिपोर्ट है। उस रात न तो नींद आई और न ही कुछ समझ में आया और न ही कुछ कर सकने वाली हालात थी मेरी। चैप्टर 46। 2 दिन बाद डॉक्टर शिखा को रिपोर्ट दिखाई। इसकी बायोप्सी करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल डिसाइड करेंगे। बायोप्सी अपने ENT डॉक्टर से करा लो ना। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करा लो, ये कोरोना का टाइम है, कुछ पता नहीं क्या हो जाए। फाइल लिए लौट रहा हूँ, मन निराशा से भरा हुआ है। निराशा भी उन बादलों जैसी गहरी काली होती है जो बारिश आने से पहले आसमान पर छा जाते हैं। वो तो है, मगर मुझे रोना नहीं है। रोने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। मुझे इसमें से कैसे निकलना है, बस यही सोचना है मुझे। इस बार भी ट्रीटमेंट होगा रेडिएशन और कीमो वाला, मनु ने पूछा तो मुझे एहसास हुआ कि हम दुकान से घर लौट रहे हैं। हाँ, शायद वही होगा। बायोप्सी कब करानी है? कल पूछता हूँ डॉक्टर गुप्ता से, उत्कर्ष को साथ ले जाऊंगा। बायोप्सी वाले दिन तो विवेक भी आ जाएगा, पूछ लेता हूँ उससे कौन से दिन फ्री होता है। बायोप्सी तो प्लान करके कराई जा सकती है। मनु का सुझाव सार्थक है, मुझे भी लगा अच्छा सुझाव है। बायोप्सी तो करानी है, प्लान की जा सकती है। रात को सोने गया तो नींद कहाँ से आती? कोई तूफान आने वाला है जिंदगी में फिर से। बाहर आकर टेरेस पर खड़ा हो गया, सर उठाया, खुले आसमान को देखा। पूर्णमासी का चांद भरपूर चांदनी बिखेर रहा है, सितारे झिलमिला रहे हैं। अचानक मेरी नज़र सितारे पर जाकर टिकी तो लगा वह मुझसे बात कर रहा है। मैंने भी बोला, उससे लगता है तुम ही मेरे भाग्य नक्षत्र हो। अगर हो तो बताओ, मेरे भाग्य में अभी और क्या है? मेरा भाग्य नक्षत्र चमका और बोला, तुमने बहुत कुछ झेला है और झेल रहे हो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा सच्चा दोस्त है। तुम हर मुश्किल को पार करके सफल हो जाओगे। सब कुछ अनिश्चित होता हुआ भी निश्चित है और सब निश्चित होकर भी अनिश्चित है। चैप्टर 47। 28 फरवरी को बायोप्सी करवानी है। मेडिक्लेम का पता किया तो डॉक्टर प्रदीप ने बोला, इस बायोप्सी का तो बिल क्लियर नहीं हो पाएगा, बाद में देख लेंगे। ट्रीटमेंट कहाँ करवा रहे हो? BLK में? मैं देख लूँगा, तुम निश्चिंत होकर ट्रीटमेंट करवाओ। इस समय में ये सहारा ही बहुत बड़ा लगा। 27 फरवरी को सब टेस्ट हो गए, रिपोर्ट नॉर्मल है। 28 की सुबह को डॉक्टर गुप्ता ने बायोप्सी कर ली। दोपहर बाद जब होश लौटा तो घंटा भर बाद घर लौट आए। विवेक सीधे अस्पताल से अपने घर को लौट गया और उत्कर्ष के साथ मैं अपने घर लौट आया। असल में इन दिनों हम एक किराए के मकान में रह रहे हैं। हमारा ये घर चौथी मंजिल पर है। पुराने घर की रेनोवेशन शुरू हुई थी मगर कोरोना के कारण पूरी होने में अड़चने आती गई और अभी तक भी वह तैयार नहीं हो सका। 48 सीढ़ियां चढ़कर घर पहुंचा तो उत्कर्ष लौट गया। इस घर में बस एक ही जगह है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वह है टेरेस, जहां पर खड़े होकर अधिकतर मैं शाम को चाय पीता हूं और डूबते हुए सूरज को देखता हूं। इस समय भी मैं यहीं खड़ा हूं,
चाय का कप लिए हुए और आने वाले दिनों में कैसे क्या करना है उसकी योजना बनाते हुए। हम योजना बनाते हैं मगर किस दिन जाने क्या होता है पता ही नहीं चलता। सब प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। असल में 5 मार्च को मनु और ईशु की मैरिज एनिवर्सरी है और उन्होंने कोई छोटी सी पार्टी का प्लान किया हुआ है। सबको इनवाइट भी कर चुके और इस बीच में ये सब। मुझे खुद को ही बुरा सा लग रहा है कि कैसे समय में ये मुश्किल लेकर आया हूँ मैं भी। कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट 7 से शुरू करवा लेना। अंतर्मन ने खुद ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। हाँ, और तो कोई उपाय भी नहीं है। बायोप्सी के बाद रिपोर्ट तो 4 या 5 को ही आएगी। रिपोर्ट तो कैंसर की डिटेल ही लाएगी। कैंसर है ये तो पेट स्कैन से पहले ही निश्चित हो ही चुका है। बायोप्सी के बाद 5 तारीख तक मैं अपना अधिक समय दुकान पर ही बिताने की कोशिश करूंगा। दुकान में रहूंगा तो मन काम में लग जाएगा। मनु को भी जो काम करने होंगे वह कर लेगा। जो हो चुका है वह तो हो ही चुका है। इसे स्वीकार कर आगे का ही सोचना है। चैप्टर 48। बायोप्सी के बाद 4 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। काम में लगे रहने के बाद भी मन को जैसे ही मौका मिलता उसे कैंसर ही दिखाई पड़ता है। चाहकर भी इस सोच को रोक नहीं पाया। बस एक कोशिश कि इस समय को कैसे निपटना है बस यही सोचूं। शायद इस समय मेरे पास इसके सिवाय कोई और उपाय भी नहीं है। कितना भी पॉजिटिव सही मगर कभी-कभी तो मन कमजोर पड़ ही जाता है। मन इस कमजोर हालत का पूरा फायदा उठाता है कि खूब डराए। मुझे इस कमजोर पड़ते मन को ये ड्रामा नहीं करने देना है। आगे आने वाले दिन बहुत चुनौती और मुश्किलों से भरे होने वाले हैं। इस बार मेरे सपोर्ट सिस्टम में लोग भी 2-3 ही हैं। 4 मार्च की शाम को रिपोर्ट आ ही गई। देखकर लिफाफा मैंने फाइल में रख दिया और सोचा कि 7 तारीख को ही अब आऊंगा डॉक्टर शिखा को दिखाने। 5 मार्च का दिन है। शाम को बच्चों की मैरिज एनिवर्सरी का फंक्शन है। तब आने वाले सीधे आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे। मम्मी पापा जी इन दिनों मेरठ में हैं सुनीता के पास। बच्चों का फंक्शन है तो सब बच्चों को ही बुलाया हुआ है। हम घर के कुछ बड़े लोग भी हैं इस फंक्शन में। 5 मार्च की शाम को 8 बजे संजय के साथ मैं भी आ पहुंचा इस फंक्शन में। मन को समझा लिया कि मुस्कुराते रहना है। वर्तमान में जो हो रहा है उसका भरपूर मजा भी लेना है। अपनी बीमारी की छाया मात्र किसी पर नहीं पड़ने देनी। वैसे भी मनु, ईशु, संजय और उत्कर्ष के सिवा कोई नहीं जानता है इस रिपोर्ट या मेरी बीमारी के बारे में। तो सब बुलाकर जब तक शरीर इजाजत दे फंक्शन में बने रहना है। वही किया भी। लगभग 12 बजे तक रुक सका तो उसी समय कोई मेहमान मेरे घर की तरफ लौट रहे थे। उन्होंने मुझे भी घर पर छोड़ दिया। चैप्टर 49। फंक्शन से तो घर लौट आया मगर आते ही मन विचलित हो गया है। ऐसे में नींद भी नहीं आने वाली। बाहर टेरेस पर आ बैठ गया। मौसम में हल्की ठंडक है। इस समय मुझे चाहिए एक कप चाय और काश कोई ऐसा होता जिससे मैं जी भर कर बातें कर लेता। ये काश भी ना कमबख्त एक लालच है। ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता। चाय का घूंट भरा मोबाइल ऑन किया। इस समय में तो यही मेरा साथी है। एयरपोर्ट पर गया तो अपनी पोस्ट पर कुछ कमेंट्स दिखे। पिछले दिनों मैंने एक अजीब सा नाम पढ़ा था। कोई भी, ये कैसा नाम है? पहले लगा कोई विदेशी है। फिर उसके शब्दों और कमेंट्स को पढ़कर समझ आया कि है तो अपने देश की ही। सोचा इंटरनेट से चेक करता हूँ थोएबी का अर्थ क्या होता है। जो व्याख्या नाम की सामने आई वह बहुत ही सुंदर और पवित्र है। ऐसे नाम वाले व्यक्तित्व के मन में असीम प्यार होता है। जो लोग उन्हें प्यार करते हैं वह उनका भरपूर ख्याल रखती है। पारिवारिक और सामाजिक परंपराओं में संतुलन रखना और अपने करीबी लोगों का सच्चे दिल से ख्याल रखना विशेष महत्व रखता है। समानुभूति की भावना कूट कूट कर भरी होती है और स्वाभाविक रूप से दूसरों को सलाह देना इनका विशेष गुण है। इतना सब पढ़ लेने के बाद मन में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। इस दौड़ का स्पंदन मन के हर कोने ने अनुभव किया। मैंने भी थोड़ी भी की एक पोस्ट में गुलाब किया था। अचानक आज उसका लाइक देखा तो बहुत अच्छा लगा। भावनाओं के तूफान की रफ्तार कुछ कम हुई और एयरपोर्ट पर बिताए ये पल ठीक वैसे लगे मानो अपने किसी आत्मीय के साथ सब कुछ साझा किया है और अब आप हल्के हो गए हैं। उसके बाद सुबह सुबह जब उठा तो बहुत हल्का हल्का सा लगा मुझे। वैसे संजय के साथ ही कार में जाता हूँ दुकान मगर आज मुझे जल्दी जाना है।
ये कहकर मैं ऑटो से दुकान जल्दी पहुंच गया हूँ। मुझे 1 घंटा दुकान पर अकेले मिल जाएगा और ये समय बहुत है मुझे सोचकर कोई निर्णय लेने के लिए। मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे बड़े बड़े फैसले दुकान पर बैठकर ही लिए हैं। आज भी मुझे कल से अपने जीवन में आने वाले बदलाव को लेकर सोचना है और कुछ फैसला करना है। चैप्टर 50। रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर शिखा के पास पहुंचा। हॉस्पिटल का माहौल बदला बदला हुआ है। अब यहाँ ना डॉक्टर पवन है ना ही राकेश, वह जो पिछले ट्रीटमेंट के समय मेरे साथ रहे। सबके चेहरे मास्क से ढके हैं। रेडिएशन वाले वेटिंग रूम में लोग बहुत कम हैं। जो भी हैं वे भी दूर दूर ही बैठे हैं। मेडिक्लेम की फॉर्मेलिटी शुरू हो गई है। पिछली बार तो यहीं से सब हो जाता था, मगर इस बार सब नियम बदल चुके हैं। उत्कर्ष मेरे साथ है, उसे शायद इन सब की जानकारी है। वैसे भी आजकल के बच्चे ज़्यादा अनुभवी हैं कि किस तरह से ऑनलाइन प्रोसीजर पूरे करने हैं। उत्कर्ष साथ नहीं रहता तो मुझे अकेले सब करने में बहुत दिक्कत होती। सब कुछ ध्यान से देख समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर हफ्ते ये प्रोसीजर दोहराना होगा और मैं निर्णय भी ले चुका हूँ कि इस बार पहले कीमो पर ही उत्कर्ष को साथ लेकर जाऊंगा। उसके बाद मैं खुद ही निपट लूंगा सबसे। मेडिक्लेम क्लियर होकर आएगा, उसके बाद ही ट्रीटमेंट का सफर शुरू हो पाएगा। सब कर करा कर हम घर लौट आए हैं। उत्कर्ष भी रुक गया दिल्ली जब तक मेरी पहली कीमो नहीं हो जाती। घर लौट कर मन वापस उसी सब में लौटना चाहता है। अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ, मगर मन है कि अभी से डरा देना चाहता है। मन को भटकाने के लिए एक कविता लिखी है। सुन मन, अब तेरा इम्तिहान है, आगे रास्ता भी तो सुनसान है। तुझे देना ही है अब मेरा साथ, आगे का सफर नहीं आसान है। पोस्ट कर दी योर बोर्ड पर। कुछ ही मिनटों में कमेंट्स आने शुरू हो गए। अचानक मेरी नज़र पड़ी थॉयवी के एक कमेंट पर। उसने मुझसे मेरा ईमेल एड्रेस मांगा है। हंसी खुशी मैंने भेज दिया। इन दिनों योर कोट ही मेरा साथी रहेगा। जब सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है तो साथी दोस्त भी ऑनलाइन ही मिलेंगे। मन ने तर्क दिया तो मुस्कुराहट खुद ही फैल गई। ऑनलाइन दिन, ऑनलाइन साथी, ऑनलाइन रिश्ते, जिंदगी ऑनलाइन। पिछले कुछ सालों में सबकी दुनिया जैसे मोबाइल में सिमट गई है। पेमेंट ऑनलाइन, लोगों से मिलना ऑनलाइन। चैप्टर 51। इधर ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है, उधर कोरोना के केस भी बढ़ने लगे हैं। कई राज्यों में तो बहुत तेजी से बढ़े हैं, दिल्ली में अभी ज्यादा नहीं बढ़े। मुझे ये तो अनुभव हो गया है कि मैं अब दोहरी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। ऐसे माहौल में मन में इतने नेगेटिव विचार आते हैं कि उन्हें संभाल पाना मुझे मुश्किल लगता है। तनाव भी पैर पसारने लगा है। इतना पॉजिटिव सही, मेरा हौसला, मेरी हिम्मत मेरा साथ छोड़ देती है। अच्छे से जानता हूँ मुझे ही खुद को संभालना है। जो मन में चलता है वह सिर्फ मैं ही जानता हूँ, इसको भी मुझे खुद ही निपटना है। शाम है, दुकान से लौट आया हूँ। चाय का कप थामे बाहर खड़ा, सूर्य को अस्त होते देख मन में विचार आया, क्या मेरे जीवन का भी सूर्य अस्त होने वाला है? मेरे सूर्य को ग्रहण तो लग चुका है, क्या मेरा अंत निकट है? शरीर कांपा, हाथ कांपे, चाय का कप छिटक कर मेरे हाथों से छूट कर फर्श पर गिर कर टूट गया। मुझे लगा कि मेरा दिल ही टूट गया है। सब कहते हैं कर्मों का फल मिलता ही है। इतने बुरे कर्म किए हैं मैंने कि दूसरी बार कैंसर का सामना करना पड़ रहा है, और वह भी इस दौर में जब कोरोना का कहर भी आने को तैयार दिख रहा है। क्या सच में मेरा अंत अब निकट है? ये क्या सोच रहे हो तुम? मेरे अंदर से आवाज आई। अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई और तुमने पहले ही हार मान ली। क्यों? मैं तुम्हें इस तरह हारते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या करूं मैं, कितना सहूंगा? फिर वही रेडिएशन, वही कीमो का जहर, और भी न जाने क्या क्या होगा मेरे साथ। जो भी होगा तुम्हें हारना नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। जब तुम सो जाते हो मैं तब भी तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। तुम्हारी पीड़ा समझ आती है मुझे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, विश्वास है कि तुम इस तरह से हिम्मत नहीं हारोगे। मेरी आंखों में आंसुओं की बूंदें अटक गई हैं। आंखें दिल को रोता हुआ देखती रही। अक्सर आंखें रोती हैं दिल देखता है, मगर आज आंखें देख रही हैं दिल रो रहा है। इस छोटी सी लड़ाई में अंतर्मन ने मन को हरा दिया और अच्छे से समझा भी दिया है कि टूटे कप के टुकड़े समेटे और फेंक दिए डस्टबिन में, साथ ही फेंक दिए कि
वह घटिया नेगेटिव विचार जो मुझे डराने को आए थे। आसमान में सूरज डूब चुका है, मन के आसमान में रात का मखमली आंचल फैला हुआ है। एक उजला पूरा चांद, धवल चांदनी बिखेरता हुआ मुस्कुरा रहा है। शीतल चांदनी अच्छे उत्साह भरे विचारों की खुशबू फैला रही है। मेरा भाग्य नक्षत्र मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चैप्टर 52। सुबह सुबह ही एक फोन पर मैसेज की आवाज़ से नींद खुल गई। क्या है ये कंपनी वाले, कभी भी मैसेज कर देते हैं। टाइम देखने को फोन ऑन किया तो नज़र मैसेज पर गई। टाइम देखा तो सुबह के 6 बजे हैं। आपका मेडिक्लेम रिजेक्ट हो गया है। मैसेज पढ़ते ही एक बम फटने का अनुभव हुआ। ये कैसे हो सकता है? इसका उत्तर तो डॉक्टर प्रदीप ही दे सकते हैं, और 10 बजे से पहले जा पाना तो संभव नहीं है। इसी हड़बड़ाहट में मुझसे कुछ टकरा कर गिर गया, और उसकी आवाज़ से मनु उठकर आया तो मैंने बताया उसे सब। एक बार डॉक्टर प्रदीप से बात कर लो। मन में विचारों ने गति पकड़ ली, इतनी तेज रफ्तार हुई कि इस निर्णय तक पहुंच गया कि मेडिक्लेम रिजेक्ट हो कि पास हो, अगर खुद से ही ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा तो कर लूँगा। क्यों इतनी जल्दबाजी करते हो? अंतर्मन समझा रहा है। जैसे तैसे करके समय बिताया। 9 बजे डॉक्टर प्रदीप को फ़ोन कर पूछा कि ये कैसे हुआ। मैं रास्ते में हूँ, ऑफिस पहुँच कर देख कर बताता हूँ तुम्हें। मैं अभी दुकान पहुँचा ही था कि डॉक्टर प्रदीप का फ़ोन आ गया और पूरी बात साफ हो गई। इन दिनों इंश्योरेंस कंपनी IGRT ट्रीटमेंट क्लेम पास नहीं करती, सिर्फ IMRT क्लेम पास होता है। तो सुझाव दिया कि IMRT क्लेम पास करवा कर और IGRT ट्रीटमेंट करा लूँ, और जो दोनों में पेमेंट का डिफरेंस है मैं भर दूँ। ये डिफरेंस भी 50,000 रुपये है, अच्छे से जानता हूँ मैं। कोई बात नहीं, तुम तो पूरा ट्रीटमेंट का पैसा भरने को तैयार थे, अब तो उस हिसाब से ये कुछ भी नहीं है, अंतर्मन ने समझाया। आज डॉक्टर शिखा छुट्टी पर है तो कल ही जाऊंगा। अब ये नया प्रस्ताव लेकर मन में कोई एक नेगेटिव विचार घुसा नहीं कि इसके बाद नेगेटिव विचारों की लाइन लग जाती है। मन में एक विचार आया कि अगर डॉक्टर शिखा ने ये प्रस्ताव नहीं माना तो मुझे इस विचार को तुरंत रोकना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। और एक के बाद एक नेगेटिव विचारों ने घेर लिया मुझे। इतना उलझा कि सोचने लगा, अगर IMRT करवाना पड़ा तो वही करवा लूँगा। इस ट्रीटमेंट को कराऊं कि नहीं, मुझे ज़रूर जान लेना चाहिए। अचानक से अपनी भतीजी डॉक्टर श्रुति का ख्याल आया। उसको बोलता हूँ, हो सकता है उसे भी कुछ पता हो। श्रुति को फ़ोन करके अपनी समस्या बताई तो उसने थोड़ा समय मांगा कि वह रेडिएशन वालों से पूछ कर बताती है। कुछ ही देर में उसका फ़ोन भी आ गया। मुझे IGRT से ही ट्रीटमेंट करवाना है। अब स्पष्ट हो गया है कि IGRT से ट्रीटमेंट करवाना है, तो अब मुझे कल तक इंतज़ार करना ही है। चैप्टर 53। घर से BL के जाने में लगभग 40 मिनट लगते हैं, तो रास्ते भर नेगेटिव विचारों से बचने के लिए एक कविता लिखी और योरकोट पर पोस्ट भी कर दी। असल में हमारा मन ही कविता स्रोत है। ये मन समझाता है, भावना की भाषा, मन का उद्वेग, भावों का आवेग, शब्दों का चयन। कविता पोस्ट हुई और मैं भी BL के पहुंच गया। डॉक्टर शिखा को सब बताया तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, IMRT क्लेम पास करवा लेते हैं और IGRT से ट्रीटमेंट कर देंगे। जो कॉस्ट में अंतर है वह मैं दे दूंगा। और डॉक्टर शिखा ने बिना कोई डिफरेंस लिए ही मामला हल कर दिया। आप कल आकर बाकी सब फॉर्मेलिटी पूरी करा लो। एक नेक का स्कैन भी होना है और मास्क भी बनेगा। इन सब में 3 दिन लग जाएंगे। 28 को रेडिएशन शुरू करेंगे, 31 मार्च को पहली कीमो होगी, और ये टेस्ट लिख दिए हैं, सब आज ही करवा लेना। अगले दिन जाकर मास्क बनवा लिया। मेडिक्लेम पास होकर आ चुका है। गर्दन का स्कैन हुआ तो मालूम पड़ा कि वहाँ भी कुछ गड़बड़ है, और FNAC कराई। रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो थोड़ा ट्रीटमेंट प्लान चेंज करना पड़ा। उत्कर्ष पूरे दिन मेरे साथ रहा तो मुझे कुछ अधिक समस्या नहीं हुई। जुगाड़ू आदमी है, झट कोई रास्ता ढूंढ लेता है और काम करवा लेता है। घर लौटते हुए मैंने उससे पहली कीमो तक रुकने को कहा तो वह मान गया। मैं एक बार ये बदला हुआ प्रोसीजर समझ लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं खुद ही करवा लूँगा सब। घर में भी अजीब सा माहौल है। घर में हम 3 लोग हैं, मनु, ईशु और मैं। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, हर कोई उसी में उलझा हुआ है। कोरोना की आहट सुनाई पड़ने लगी तो लोग अब सचेत होने लगे हैं। दिल्ली में भी केस रोजाना बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन कभी भी लग सकता है।
मैं भी सोच रहा हूँ कि इस बार कोई ऐसा प्लान बनाऊँ कि सुबह दुकान पर आ जाऊँ, दोपहर को BLK जाकर रेडिएशन कराकर सीधे घर लौट जाऊँ। अब तो कैब आसानी से मिल जाती है, तो आने जाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना है। 2014 वाले टाइम में तो ओला उबर कैब नहीं थी, तो बहुत परेशान होना पड़ता था। यही सब सोचता सोचता घर आ पहुंचा, तो फोन खोला तो देखा थोइबी की मेल आई है। थोइबी से एक जुड़ाव सा महसूस होने लगा है मुझे। चैप्टर 54। थोइबी का मेल आया है, उसे योरकोट पर कोई चिट चैट सेशन शुरू करना है और सबसे पहले मेरे साथ शुरू करना चाहती है। साथ में एक बहुत भोला भाला चहकता हुआ प्रश्न है कि मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं, बड़े पापा या बाचाओ? बाचाओ का मतलब भी बड़े पापा ही है। मुझे उसके इस प्रश्न में एक आनंद भरा उत्साह नजर आया और मैंने बाचाओ संबोधन को स्वीकृति दे दी। तो आज से थोइबी मेरी बिटिया हो गई, चिट चैट सेशन के लिए भी हाँ कर दी। योरकोट पर जो मैं कोशिश कर रहा था पॉजिटिव किरणें बिखेरने की, उनकी रोशनी अब मुझे दिखने लगी है। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं मुझसे, सब अपनी अपनी इच्छा अनुसार पुकारते हैं, बाबा, बड़े पापा, दादाजी, दादू, नानू, और आज ये बच्चाओं का संबोधन भी जुड़ गया है। जिस उद्देश्य को लेकर मैंने योरकोट पर लिखना शुरू किया, उसे सफल होते देख मुझे एक अद्भुत खुशी मिली। इस खुशी में ढेर सारा उत्साह है। ये उत्साह इन दिनों मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए इस उत्साह को बनाए रखना ज़रूरी है। शाम को लौटते समय रामबाग रुक गया और अपने पेड़ दोस्त हसमुख से मिलना हुआ। बहुत दिनों बाद मिले तो ढेर सारी बातें की। हसमुख ने भी झोली भर ऑक्सीजन का आशीर्वाद दिया। घर पहुंचा तो आने वाले कल की योजना बनाई, क्योंकि कल मुझे पहली रेडिएशन को जाना है। मैंने 4 बजे का समय लिया है। सुबह मैं रोजाना की तरह दुकान जाऊंगा, दोपहर मनु खाना लेकर आएगा, तो खाना खाकर सीधे BLK चला जाऊंगा। रेडिएशन करवा कर वहीं से सीधा घर चला जाऊंगा। रात में सोने से पहले मेल देखा तो थोइबी का मेल आया है, उसने प्रश्न भेज दिए हैं। प्रश्न पढ़कर मुझे ताज्जुब हुआ कि जिस तरह से प्रश्नों का चुनाव किया गया है, वह सब मेरी पर्सनैलिटी से मेल खाते हैं। मन में विचार आया कि ये लड़की अवश्य साइकोलॉजिस्ट है। आज है 28 मार्च और कल से मेरा ट्रीटमेंट शुरू होना है। 8 अप्रैल को थोइबी को ये पोस्ट करना है। सोचा आज ही प्रश्नों के उत्तर दे देता हूँ, कल से कैसी तबीयत रहेगी ये पता नहीं। एक बार फिर से सारे प्रश्न पढ़े, 2 घंटे में उत्तर लिखकर मेल भी कर दिए। प्रश्न जितने गंभीर और बड़े हैं, उनके उत्तर उतने ही कम शब्दों में और छोटे हैं। उत्तर लिखने से मन में बहुत अच्छे विचार आए और मन बहुत देर तक उन्हीं अच्छे विचारों में खोया रहा। अच्छे विचारों को टिकाए रखना एक चुनौती होती है, मगर मैं कोशिश में लगा हूं कि अच्छे विचार मेरे साथ टिके रहें। मन ने अंतर्मन से एक सवाल किया कि ये मेरा योरकोट पर लिखना, थोइबी से मिलना, ये चिट चैट सेशन क्या कोई पहले से ही निश्चित ईश्वर की योजना है? अंतर्मन में मेरा भाग्य नक्षत्र चमका और मुस्कुराकर बोला, देखो हमने तो पहले ही बोला था कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। चैप्टर 55। रेडिएशन का आज पहला दिन है और मैं 4 बजे से पहले ही पहुंच गया। अस्पताल का माहौल बदला हुआ है। भीड़ से भरे रहने वाले कॉरिडोर लगभग खाली खाली से हैं। सबके चेहरे मास्क से ढके हैं, कोई कोई तो ग्लव्स भी पहने हैं। अस्पताल में थोड़ी थोड़ी दूर पर सैनिटाइजर पंप लगे हैं। रेडिएशन ऑनकोलॉजी का वेटिंग रूम अब खाली सा है। कुल 8 लोग हैं, मतलब पेशेंट तो 4 ही होंगे। मैं तो अकेला ही आया हूँ, सब तो मेरी तरह नहीं होते। पुराना दोस्त अब यहाँ है नहीं, नई टीम है। कार्ड ड्यूटी रूम में रखकर बाहर आकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। तीसरा नंबर है, कार्ड रखते हुए देख लिया था, मतलब आधे घंटे बाद ही नंबर आएगा। पिछली बार तो जब भी आता था किसी न किसी से ज़रूर बातें कर, मगर इस बार बात करना तो दूर, कोई किसी को देखना भी नहीं चाहता, बस हर कोई अपने मोबाइल में व्यस्त है। मेरी बारी आई तो 2014 की पहली बार वाली रेडिएशन की याद आई। राकेश ने मुझे अच्छे से सब बातें समझा दी हैं, आज वह सब बातें याद हो आई। मैंने आंख बंद कर प्रार्थना करनी शुरू की, जो भी यहाँ रेडिएशन करवा रहे हैं सबके लिए मन से प्रार्थना की, सबको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले।
इसके बाद कुछ शब्दों को ढूंढा और जोड़ना शुरू किया, कविता की कल्पना की और सोचा वापस जाते समय इसे मोबाइल पर लिखकर योरपुर पर पोस्ट कर दूंगा। इसी सब में मेरी रेडिएशन पूरी हो गई। अपना कार्ड लिया, कैब बुक कराई जो 5 मिनट में आ गई, और इस तरह से ट्रीटमेंट का पहला दिन पूरा हुआ। कैब ड्राइवर का नाम है सुरेश। बस ऐसे ही बातें करने को मैंने पूछ लिया, सुरेश जी काम धंधा कैसा चल रहा है? मत पूछिए अंकल जी, इस कोरोना ने तो बर्बाद कर दिया है। लॉकडाउन में तो खाने के भी लाले पड़ गए थे। दो गाड़ियां थी, एक तो घर का खर्च चलाने के चक्कर में ही बिक गई। अब ये बची है, पता नहीं क्या होने वाला है। भगवान जी क्या दिन दिखाने वाले हैं। आपका इलाज चल रहा है यहाँ पर? हाँ, मुझे सोमवार से शुक्रवार रोजाना आना है। क्या हुआ आपको? कैंसर है, रेडिएशन के लिए रोज आना है। भगवान जी आपको जल्दी ठीक करें। इतना कहकर सुरेश ने दोनों हाथ जोड़ दिए। इसके बाद रास्ते भर खामोशी छाई रही। होंठ बंद होने से खामोशी तो खामोशी नहीं होती है, मन में तो चीख पुकार चलती रहती है। मेरे मन में भी चल रही है, सुरेश के मन में भी चल रही होगी। आप सुन रहे थे द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद गौरव सिन्हा।